वीडियो को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा दोस्तों कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाले। तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, आज का वीडियो जो होने वाले ओप्पो A5 फ़ोन के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना है, ओप्पो A5 फ़ोन, जो फ़ोन को मैंने पर्सनली बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इसको यूज़ करने के बाद मेरे को जो एक्सपीरियंस है मैं उसके साथ आपको शेयर करता हूँ और फ़ोन का एक ओवरऑल आपको रिव्यू भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो फ़ोन है ऑर्डर किया था मेरे नाम से, जो मेरा फ़ोन जो है ये पड़ा था करीबन आपको 8,991 रुपये में पड़ा था। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही कम बजट में मैंने उस ऑफ़र था, ऑफ़र चल रहा था तो उस टाइम में मैंने फ़ोन को बुक किया था। तो उसके बाद चलते हैं फ़ोन की तरफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल लीवर वॉशिंग टेक्निकल गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले ये है जो बॉक्स आप देख सकते हो, ये सील कटा हुआ है क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर चुका है, उसी के बारे में आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले बॉक्स को दिखा देता हूँ, जो लिखा हुआ है 4GB 64GB के साथ आता है ओप्पो A5। आप देख सकते हो ब्लू कलर का है। उसके बाद आप देखते हो द इंडियन क्रिकेट टीम स्पॉन्सर। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो इंडियन क्रिकेट टीम स्पॉन्सर्ड है, जो ओप्पो को स्पॉन्सर किया है आपको पता होगा। तो उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैमरा है 13 MP और 2 MP जो पीछे है और फ्रंट में 8 MP। ओप्पो इज़ बेस्ट फॉर कैमरा, आपको सबको पता ही है। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1599 रुपये में जो आता है। और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, सेम थिंग आप पीछे देख सकते हो। पीछे जो लिखा हुआ है 4GB और 64GB के साथ आता है, पैक्ड हुआ था 2019 में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कितना वोल्ट सब कुछ यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन के बारे में। जो कलर है डायमंड ब्लू है। तो चलिए दोस्तों इस बॉक्स को करते ओपन। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक आपको पिन मिल जाएगा और इसके अंदर एक कवर भी मिल जाएगा आपको, जो मैंने फ़िलहाल यूज़ कर चुका हूँ ओप्पो का। इसको रखते साइड में। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो फ़ोन है इसको साइड में रखते देखते और क्या क्या है इसके अंदर। अब जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह होगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड जो होता है हर एक फ़ोन के तरफ से आपको दिया जाता है। ये जो है थोड़ा बहुत कैटलॉग टाइप का होता है, इस फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या सब कुछ आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो आता है ये दोस्तों, ये वारंटी कार्ड, अगर 1 साल या 1.5 साल के अंदर आपको कुछ भी हो जाता है तो ये आपको चाहिए, इसको संभाल के रख दे। उसके बाद आपको मिल जाता है चार्जर, जो है सिंपली एक साइड USB और एक साइड ए टाइप सी नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल सा चार्जर है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो आपको फास्ट चार्जर ख़रीदना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद चलते चार्जर, यहाँ पर आप देख सकते हो ओप्पो का ब्रांडिंग है। और ये जो चार्जर है बेसिकली 5 एम्पियर का, 5 वोल्ट का है। ओके, आउटपुट जो है 5 है, काफ़ी अच्छे से चार्ज कर देगा आपका फ़ोन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद चलते हैं अब फ़ोन की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले जो फ़ोन है मैं इसको निकाल लेता हूँ। देख सकते हो फ़ोन दिखने में बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, एकदम शानदार। देख सकते हो ब्लू कलर में आता है ये वेरिएंट, बहुत ही अच्छा। ये पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा फ़ोन के बारे में बता दूं, आप जो देख सकते हो फ़ोन का जो सामने जो कैमरा है ये है 8 MP का दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, और पीछे जो कैमरा ये है 13 MP के साथ 2 MP आता है। आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट भी मिल जाएगा और पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो फ़ोन को कर लेते बूट। तो फ़ोन हो रहा है बूट, तब तक हम कुछ थोड़ा बात कर लेते। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है।